अब ये कोश जो होता है वो क्या है? तो हमारे शरीर में पांच प्रकार के कोश होते हैं। ये शरीर जो आपको दिख रहा है ये अन्नमय कोश, और जिसमें ये वायु प्राण आदि का निवास रहता है, इसके अंदर भी एक कोश होता है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। फिर एक कोश और भी होता है तो जिसमें मन आदि बुद्धि होता है उसको मनोमय कोश कहते हैं, और फिर जिसमें बुद्धि आदि होते हैं उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, और जिसमें आत्मा निवास करते हैं उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ऐसे पांच प्रकार के कोश होते हैं। तो ये जो कोश है, जो शरीर है, ये क्या है? ये कोश है, समझ ला। ये कौन सा है? अन्नमय कोश, ये अन्न से बनता है। दूसरा कोश क्या है? वो प्राणमय कोश है, जो हम लोग बाहर से शुद्ध सूक्ष्म रूप से जो अन्न का जैसे जल पीते हैं, तो इससे सूक्ष्म रूप से प्राणमय कोश की पुष्टि होती है। अन्नमय अन्न खाते तो अन्नमय कोश की पुष्टि होती है, जल आदि पीते हैं वो प्राणमय कोश की पुष्टि करते हैं। जैसे किसी को अगर प्यास लग जाए तो कहते भाई मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, जल्दी पानी लेकर आओ, तो इसका मतलब ये है कि प्राणमय कोश उसका कमजोर हो गया, उसको पानी चाहिए। फिर एक होता है मनोमय कोश, इसके अंदर मन होता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। स्थूल शरीर हो गया, ये प्राणमय कोश को भी आप शरीर कह सकते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लिंग शरीर शब्द का प्रयोग किया है कोश को। लेकिन वास्तव में देखा जाए, चूंकि इसलिए ये लिंग शरीर उन्होंने कहा क्योंकि कोश का अर्थ जो है यहाँ पर आप लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भी लिंग शरीर कहते हैं। तो यह सूक्ष्म शरीर कहने की या कोश कहने की जो इन्होंने सूक्ष्म शरीर का है। तो जो मनोमय कोश होता है उसमें मन बुद्धि, इसमें सारे जो स्टोरेज है एक प्रकार से, जो भी आपने बाहर से देखा सुना, जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये सब आपके जो स्टोरेज हैं, जैसे आपके मोबाइल में स्टोरेज होता है जगह जगह, जहाँ पर जैसे हम लोग मान लीजिए कि कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है, तो उसको हम पांच भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई चलो ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट डिस्क वन, डिस्क टू, डिस्क थ्री, ऐसा बना देते हैं। तो ऐसे ही जब शरीर का कोश, एक तो ये होगा भाई शरीर का जो भी खाएंगे पिएंगे वो इसमें जमा होगा, और जो हम पानी वगैरह पिएंगे सूक्ष्म तत्वों से बाहर गए, थोड़ा सा शुद्ध वायु हमने ग्रहण किया, क्योंकि वायु को भी ग्रहण करते हैं। तो बोलिए वायु किसकी पुष्टि करता है? ये प्राणमय कोश की पुष्टि करता है। तो ये कोशम शब्दों को समझना बहुत आवश्यक होता है। अब ये आप लोग सामान्य लोग पढ़ेगा तो वो चीज समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम आपको सूक्ष्म रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि ये विषय अध्यात्म का है, ये समझेंगे तो आगे समझना सरल हो जाता है। तो जो आप बाहर से वायु और जल आदि का जो ग्रहण करते हैं, आकाश पांच तत्व सूक्ष्म जो तत्वों का ग्रहण करते हैं, वो उससे प्राणमय कोश की पुष्टि होती है। इसीलिए जब हम वायु लेते हैं तो एक प्रकार से शुद्ध वायु हमको चाहिए, जिसको प्राण वायु कहते हैं। कुछ लोग उसको प्राण वायु भी कहते हैं, वो प्राण वायु प्राण वायु नहीं है, प्राण एक तत्व होता है, उसको पान वायु कहते हैं। प्राण वायु को पान और अपान, जिसको हम ग्रहण नहीं करते, अशुद्धि चलो निकलो भाई यहाँ से, जो अशुद्ध प्राण जो वायु है वो बाहर निकल जाए तो वो शुद्धि होती है। ऐसे शरीर की भी शुद्धि होती रहती है, हम खाते हैं और फिर मल आदि के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ही अपान पान वायु यानी ग्रहण करने वाला, और अपान वायु जो अशुद्धि है वो निकलते रहते, तो उससे प्राणमय को शुद्ध रहता है। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि पांच सर्कल है, इसमें ये सर्कल जो आपको दिख रहा है बाहर से, इसके अंदर एक सर्कल है जिसको प्राणमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको मनोमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, उसके अंदर एक सर्कल है उसको आनंदमय कोश कहते हैं, और वहां पर फिर चैतन्य स्वरूप परमात्मा और आनंदमय कोश में आनंद का अनुभव होता है। तो बोले महाराज हमें पता कैसे चलेगा? बोले हर रोज आप लोग ये पांचों कोशों का अनुभव करते हो। बोले कैसे? स्थूल शरीर का पता ही है, जो हमें प्राण है, प्राणमय कोश जो हमें चेतना आती है, ऊर्जा आती है, जैसे पानी पी लिया आपने बहुत तृप्ति अनुभव कर दिया, आपका शरीर स्फूर्ति जो आती है ये वायु के कारण होती है। तो वायु से ही, जैसा हमने आपको सर्वप्रथम जो पंचमहाभूतों में आया था ना, इंद्रियों की स्फूर्ति आदि वायु के द्वारा होती है, जीवन शक्ति ये वायु के जो है गुण स्वभाव माना गया है, इसी से सब कुछ है। ये वायु अगर ये सब कहाँ रहते? ये प्राणमय कोश में रहते। तो जब इसीलिए योग दर्शन में प्राणायाम शब्द है। हठ योग में तो शरीर होते, जो आसन वासन करके ये आड़ा टेढ़ा होना, ये हठ योग के अंदर कराता है। पतंजलि योग सूत्र का संबंध प्राणमय कोश से है, और सांख्य योग का संबंध मनोमय कोश से है। तो इसलिए प्राणमय कोश जो आप लोग जो एकदम जड़वादी होते हैं तो वो हठ योग से साधना करते हैं, और जो पतंजलि योग मार्ग से जाते हैं वो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उसमें आपको ये आसन वासन का कोई वर्णन आप पतंजलि योग सूत्र में कुछ नहीं है। ये तो पतंजलि के नाम पर समाज को भ्रमित कर दिया गया,
पतंजलि दर्शन, पतंजलि दर्शन दुनिया भर के आसन प्राणायाम आ गए, ये हठयोग संहिता के अंतर्गत आता है, जो शरीर पर प्रभावित करता है, ये हठयोग में आता है, वो पतंजलि योग सूत्र नहीं। पतंजलि योग का संबंध है प्राण से चित्त की शुद्धि, इसलिए चित्तवृत्ति निरोधः योग है और प्राणायाम आदि उसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। और प्रत्याहार, उसमें भी प्रत्याहार को मनोनिग्रह भी कहते हैं और उसको विषय एक ही है, बस शब्दों का अंतर हो जाता है। तो यहां पर उस कोश की वर्णन आता है, तो उस कोश में जो सूक्ष्म शरीर होता है मनोमय कोश के अंदर, जो हम देखते हैं सुनते हैं, आपने किसी को देखा फिर उसको लगा कि हमने उसको कहीं देखा है, तो वो फिर पता कैसे चला, तो ये दूसरे हार्ड डिस्क में चला गया, ये उसको कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर। फिर ये बुद्धि वगैरह कहाँ रहती है महाराज, तो बोले इससे ऊपर रहती है, कहां पर, विज्ञानमय कोश में। तो हम लोग ये मन बुद्धि जैसे कितने चिंतन करते, एकदम गहरा चिंतन करते, तो हम लोग विज्ञानमय कोश में जाते हैं। जो मन इधर, मन में जो चिंतन करते हैं, अंदर अंदर चिंतन कर रहे हैं और हम चिंतन करते करते वो सब घटना याद आ रही है जो हमारे जीवन में घटित हुई, हमने ऐसे देखा था, हम यहाँ गए थे, वो चिंतन के, तो वो बार बार दिमाग में चल रहा है आपका, तो इस समय आपका मनोमय शरीर जो है आपका एक्टिव हो गया है। तो मनोमय शरीर में आप कैसा, आपका अनुभव कब होता है, जब आप सपने में जाते हो, सपने में जब जाते हो तो उस समय भी आपको फिर वही चीजें दिखने लगती है, कोई कभी शेर आ गया, कभी भालू आ गया, कभी भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, कभी हॉरर मूवी देख ले तो उनके दिमाग में चला गया, कहाँ चला गया, वो मनोमय शरीर जो नाम की जो हड्डिक्स है वहां जाकर स्टोर हो गया, यानी जो शरीर है वहां पे जाके जमा हो गया। अब वो जब सोएगा तो वो मनोमय शरीर में चला जाएगा और वो फिर उस जो डिस्क में, जो उसमें जो शरीर में जो जमा किया हुआ है कचरा, वही चीज फिर उसको सपने में दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज आपको, जैसे कहते हैं हमें सपने में ये चीज दिखा, सपने में वो चीज दिखा, तो ये आपने पहले किसी जन्म में देखा होता है, वही चीजें वहां स्टोरेज रहती है। जैसे अब मैं इस कमरे में बैठा हूं तो जिस कमरे में जो चीज है वही मुझे चीज दिखेगी, ऐसे ही मैं जगा हूं तो मुझे जो जागृत रूप में दिख रहा है, मैं सोऊंगा तो दूसरे कमरे में चला जाऊंगा, यानी सूक्ष्म शरीर में चला जाऊंगा, तो उस कमरे में जो चीज रहेगी वो चीज दिखेगी। तो ये सब जो शरीर है एक प्रकार से स्टोरेज है। अब जैसे ये शरीर है, अभी किसी वैद्य को दिखा दीजिए तो कहते हैं कि भाई आपने दही खाई है, बता देगा बोले आपके शरीर में क्या खाया हूं, तो वैसा ही चीज है। तो ये शरीर में ये भी स्टोरेज है, ये अन्न का स्टोरेज है, प्राणमय कोष ये वायु और सूक्ष्म तन्मात्राएं होती है उसका स्टोरेज है। मन में जो हम लोग दुनिया भर की चीजें देखते हैं, मन में जो चिंतन कर रहे हैं, तो बार बार आ रहा है, हम सोच रहे भाई वो उसके, उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे उसने ऐसे मुझे बोला, मुझे ऐसे, ये जो प्रेत वगैरह होते हैं वो इसी मनोमय कोष में जो है घुसे पड़े रहते हैं। वास्तव में ये जो भूत प्रेत पिशाच योग जो बनते हैं, उनका तो प्राण, उनका जो है प्राणमय कोष और अन्नमय कोष तो नष्ट हो जाता है, लेकिन वो लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर में वो उनका जो है एक्टिव रहता है उस समय में, तो वो उसी चिंतन में रहते, जो मन में चिंतन किया, मन में जो रहा वही रहता है। तो वो प्रेत क्या करते हैं, जब हम सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, मनोमय कोष में चले जाते हैं, तो उसी समय वो भी वहां, क्योंकि वो उनके लोक में पहुंच गए, अब तो वो फिर कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए नींद में, सपने में ये प्रेत आदि के आक्रमण आपको होते हुए दिखाई देते हैं, प्रेत आदि के दर्शन होते हैं या देवताओं के दर्शन होते हैं किसी को सपने में, मुझे बहुत सुंदर दर्शन हो गया, तो क्यों, तो आपका मनोमय यदि शुद्ध रहेगा, मनोमय कोष शुद्ध रहेगा, मतलब सूक्ष्म शरीर मनोमय कोष, ये ध्यान रखना, मनोमय कोष सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, ये तीनों एक ही बात है, ठीक है, इसको आप समझ जाओगे या आपका नोट कर लेना कि मनोमय कोष सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर, क्योंकि यहाँ लिंग शरीर उन्होंने लिख तो दिया लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे आप लोग, तो वो आपको हम समझा रहे सूक्ष्म रूप से आपकी भाषा में। तो उस अवस्था में फिर ये, अगर मान लीजिए आपका मनोमय शरीर शुद्ध है, आपने जप किया, ध्यान किया, आपका मनोमय शरीर शुद्ध हो गया, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया, उसमें जो कचरा पट्टी था वो निकल गया, अब उसमें क्या है, सात्विक चिंतन, भगवान की कथा सुनी, तो वो भी स्टोरेज हो गया मनोमय कोष में, आपने वहां जाकर मनोमय कोष में गए, निद्रा में गए, आपका वही चिंतन होने लगा, तो फिर आपका देव शक्तियों के साथ संपर्क हो गया, तो उस समय देवताओं के दर्शन होते, सिद्धों के दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं, बोले गुरु जी मुझे बहुत अच्छा सपना आया, बोले सपना इसलिए अच्छा है क्योंकि तेरा मनोमय कोष शुद्ध है, सूक्ष्म कोष तुम्हारा शुद्ध हो गया है, कचरा जो था वो हट गया है वहां से, वो जो हार्ड डिस्क में से जो है तुम लोगों ने सारा कचरा रिसाइकल बिन में डाल दिया निकाल के, तो जैसे ही उसमें जैसे हम लोग कभी कभी कंप्यूटर में भी
कई प्रकार के जो है व्यर्थ की फाइलें आ जाती, कचरा आ जाता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हम जप ध्यान करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ये क्यों करते हैं? क्यों भगवान की कथा सुनना चाहिए? ताकि हमारा जो मनोमय कोष है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वहां का जो स्टोरेज है, वहां पर ये ऐसे ही चीजें रहनी चाहिए जो ज्ञान की, भक्ति की, भगवान की, ये चिंतन होना चाहिए। और नहीं महाराज, ये तो हमारे इसमें तो हमें तो वहां स्टोरेज हमारा गड़बड़ है, वहां पे तो वहां हार्ड डिस्क में बहुत दुनिया भर का कचरा पड़ा है, तो बोले उसको डिलीट करो। उसी को मनोनिग्रह कहते हैं। तो मन में यदि वो कचरा पट्टी है तो उसको हटाने के लिए फिर क्या करना है? जैसे मान लो कि बोतल में गंदा पानी है, कैसे साफ करें? तो बोले अच्छा पानी डालो उसमें, फिर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे और फिर उसके बाद गंदा पानी उसके साथ पानी के साथ बह जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा सुनेंगे, जप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो ये जो मन का जो कचरा है, गंदगी, गंदे विचार है, गंदा चिंतन है, वो उसमें से आपका साफ हो जाएगा। और फिर बाहर की चीजों को आने मत दीजिए, फालतू कचरा मत उसमें, क्योंकि वो कोई भी सुनाएगा, कोई भी बात करेगा, फालतू विचारधारा, राग द्वेष, दुनियादारी का, अरे वो ऐसे कर रहा था, वो वैसे कर रही थी, फिल्मों में गए, वहां ये देखा, कोई हम लोगों ने गलत दृश्य देखा। आजकल तो मोबाइल में लोग यूट्यूब में लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, अब उनका मनोमय कोष शुद्ध रहता है, लेकिन क्या है, मोबाइल में देख रहे हैं, इतना गंदा कार्य कर्म देखते रहते हैं कि अब वो क्या करे, अब वो मनोमय कोष में स्टोर हो गया। अब मनोमय कोष में स्टोर हो गया तो अब जो वो बच्चा चिंतन करेगा तो क्या करेगा? बोले भाई जो उसके स्टोरेज में है, जैसे अभी हम लैपटॉप में है भाई, अंतकरण है यंत्र, तो जैसे हमने क्लिक मारा तो भाई वो उस हार्ड डिस्क में जो जो वीडियो होंगे वही दिखेंगे, क्योंकि जो हमने स्टोरेज किया है उस हार्ड डिस्क में वही तो दिखेगा, उसमें वही फाइलें दिखेगी, वही वीडियो दिखेंगे, वही फोटोज दिखेंगे। तो जो हमने स्टोरेज किया, तो जो हम बाहर से चीजें देखते हैं, सुनते हैं, वो मनोमय कोष में चले जाते। इसलिए कहा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, ये सब चीजें कहा जाता है, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो है वो मनोमय कोष अशुद्ध न हो, आपका जो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर अशुद्ध न हो। बोले महाराज अशुद्ध हो गया तो क्या होगा? बोले अशुद्ध हो गया तो वो कचरा पे, जैसे वो कचरा रहता है तो कचरे पे मक्खियां भिनभिनाते हुए पहुंच जाती है, ऐसे ही जब हमारे मन में ये गंदगी रहती है, अशुद्धता रहती है, तो ये प्रेत, पिशाच, भूत प्रेत, ये भी फिर वहां जाकर पहुंचने लग जाते हैं। इसलिए फिर नींद में ये भूत दिखते हैं, कोई प्रेत दिख रहा है, कोई पिशाचिनी दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो है मनोमय कोष अभी अशुद्ध है। तो ये है तो वो उसको प्रिय महाराज ये तो बड़ा कई जन्मों का है। बोले हाँ ये कई जन्मों का है। इसलिए जब जीव जप जाता है तो उसका ये जो लिंग शरीर जिसको बोलते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर कहो, लिंग शरीर कहो, या मनोमय कोष, उसके बाद ही कही है, यहाँ पर कोष शब्द आया है, इन्होंने हिंदी अनुवाद करते समय उसको लिंग शरीर कहा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम कोष शब्द के अंतर्गत ये तीनों पांचों कोषों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो शुद्धिकरण आपका हो जाएगा तो कैसे सर? बोलिए जो कचरा पट्टी हो गई हमारी, अब क्या करें महाराज? तो उसमें उत्तर दिया है कि ये जो भगवान की अहेतु की भक्ति है, ये उसी प्रकार कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को भस्म कर देती है। बोलिए जो संस्कार है कर्मों के, दुनिया भर के कर्म किए, दुनिया भर का देखा सुना, कर्म देखना सुनना सब ये तो कर्म ही तो है, जो देखा जो सुना, तो कचरा जमा हो गया वहां पे। तब यही कचरा जब फिर आप बैठे हो आंख बंद करके मनोमय कोष में पहुंच जाते हो,